देखिए अज ये घटना लैके संत महापुरुष पहुंचे है और इतने पहुंचे पिंड वासी दूरों नेड़े आए सारे मेरे मतामा भैणा वीर बुजुर्ग बच्चे सारे जय गुरुदेव जय पी। एक शायर कहता है कि जिन्हां बागां दे माली सौ जांदे उन्होंने फसल खराब हो जाए जिन्हां बागां दे माली सौ जांदे उन्होंने फसल खराब हो जाए जिहड़ी कौम अपना इतिहास भुल जाती है उन्होंने नस्ल खराब हो जाए नस्ल गुलाम हो जाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सतगुरु रविदास महाराज मानने वाले लोगो गुरु रविदास महाराज मानते हो उन्हें मत्थे टेकते हो पर असी उन्हें पढ़ते नहीं साड़ी वाधिक किस्मत है। गुरु रविदास मारे बाणी में लिखते हैं कि सत संगत मिल रही है माधो जैसे मध्य मखीरा। गुरु रविदास महाराज जी ने सानू भेटा वाग कट्ठे होने क्यों नहीं कहा। गुरु रविदास महाराज जी ने सानू बकरियां वाग कट्ठे होने क्यों नहीं कहा। बद भेटा के भी होंगे है झुंड बकरियां भी होंगे है पर गुरु रविदास महाराज जी ने मधुमक्खियां वाग कट्ठे होने इस करके कहा कि जो तुम मधुमक्खियां वाग कट्ठे रहोगे जो कोई मधुमक्खी के छत्ते हाथ पाऊगा तो वह नतीजा तुम देखते हो। साडा बदकिस्मत यही रही है कि असं गुरु रविदास मानू मत्थे टेकन तक रह गए हैं इसे करके वह कदम दिल्ली का मंदिर छेड़ते हैं कदम लुधियाने अंदर वार नहीं देंगे कदम संगरूर अंदर सालों किताब नहीं देंगे। तो रही गल गरीब होने की मैं जवाब दे दिया कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सानू एक वोट का हक लैके दिता सी अज राष्ट्रपति की वोट का पावर भी एक है प्रधानमंत्री की वोट की पावर भी एक है मुख्यमंत्री की वोट की पावर भी एक है तो वोट की पावर भी एक है। इस करके जो सरकार कहते जो कुर्सी उत्ते बैठा हाकम गोला हो जाए कुर्सी उत्ते बैठा हाकम गोला हो जाए फिर लोग ना बोलन हाथ फड़िया तलवार बोल दिया प्रशासन खड़ा है लोग बैठे है मेरी संगत को और प्रशासन को हाथ जोड़ के बेनती है संविधान सानू हक दिता कि जिस मर्जी धर्म जिस मर्जी गुरु असी अपनाइए। मेरी बार बार साड़ी संत समाज की समुचे समाज की बेनती है प्रशासन को सरकार को कि साड़ी धार्मिक भावनावां नू बार बार ठेस ना पहुँचाई जाए क्योंकि हालातों देख लो कि पहले बीमारी ने इस संसार का जीना दुभर किया होया हालातों देखते हुए प्लीज साड़ी बेनती है कि कानून के दायरे च रह के साडे लोगों के हकों की गल जारी रखियो क्योंकि जे ये लोग जाग पे फिर सरकार ने झुकना पैना फिर वह रद्द तुम्हें आने वाले समय से देखना पेगा। और मेरी बख राजनीतिक पार्टियों में बैठे लीडरों को बेनती है कि रहो जिसे मर्जी खाओ जिन्हों का मर्जी पर जो गुरु रविदास बारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मान सम्मान की गल आती है उदो समाज की गल जरूर करा करो जो थोड़ी गल नहीं सुनते फिर मान्यवर साहब कंशी राम वागू कुर्सी में फुट मार के वापस मुड़िया करो समाज के लोगों हुक्मरान बनिए अपने गुरु घर में जाइए ते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कहना मनी अपने बच्चों को पढ़ाइए सारे बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन को बेनती है कि उपर डीसी साहब न डीसी साहब अगर सरकार को बेनती कर रखी है इस पिंड इस समाज के लोगों के गुरु घर की इत ना लाई जाए और यू कानून के दायरे में रह के होश के नाल असं काम करना है तो सारा का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो भी संत का हुक्म होगा समाज उसके नाल खड़े असी इस पिंड के नाल हमेशा खड़ा और खड़ा जिसे गुरु रविदास मन की गल हुई बाबा साहब अंबेडकर की गल हुई बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव धन गुरुदेव जय पी जय भारत। विक्की विक्की।